स्टूडेंट, एज यू नो दैट वी शुड फॉलो द SMS इन दिस पैंडमिक. सो टुडे वी आर स्टार्ट द चैप्टर 9 ऑफ द कंप्यूटर इंटरनेट एंड ईमेल पार्ट 2. एंड टुडे वी लर्न अबाउट यूजेस ऑफ द इंटरनेट, मीन्स वॉट इज द यूज ऑफ इंटरनेट एंड विच टाइप ऑफ वर्क वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट. नाउ फर्स्ट इज यूज ऑफ द इंटरनेट. फर्स्ट इज द कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंटरनेट. यू कैन कम्युनिकेट विद समवन इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यूजिंग द इंटरनेट. सम कॉमन कम्युनिकेशन टूल्स आर, मीन्स विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट वी कैन कम्युनिकेट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन ऑल ओवर द वर्ल्ड. ऑल ओवर द वर्ल्ड में कहीं भी कभी भी एनी टाइम वी कैन कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट to one person to another person. Just like right now I am communicate with you with the help of the internet on the Google Meet. यानी Google Meet में मैं अगर आपसे communicate हो रही हूँ तो it's all possible about the internet. Okay, so some common features of the internet, जैसे मैंने बताया communication का. First is email. Allow you to send and receive electronic letter known as email. सम ईमेल सर्विसेज आर जीमेल, याहू, हॉटमेल एंड सो. यानी इंटरनेट की हेल्प से हम मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं एंड एक दूसरे को जान सकते हैं, यानी ईमेल की हेल्प से. ओके, वी कैन ऑल्सो सेंड द लेटर, रिसीव द लेटर एंड देयर वर सम सर्विसेज आर जीमेल, याहू, हॉटमेल एंड सो ऑन. ओके, व्हाट्सएप इज ऑल्सो, येस, व्हाट्सएप की हेल्प से भी, हाई की हेल्प से, फेसबुक की हेल्प से भी हम लोग चैटिंग कर सकते हैं, यानी मैसेजेस सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं. नाउ सेकेंड इज द वीडियो कॉलिंग. टू हैव अ वीडियो कॉल विथ वेब कैमरा एंड माइक्रोफोन मस्ट बी अटैच टू अ कंप्यूटर एट बोथ द इंड. वीडियो कॉलिंग अलाउ द अदर पर्सन टू सी यू वॉन्स दे ज्वाइन द कॉल. Join the call. Any with the help of the video calling, we can see the one person to another person in virtual form, not physical form, but virtual form. में हम एक दूसरे से interact हो सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं. But इसके लिए most important thing कि both side में हमारा camera and microphone होना चाहिए. Okay. Now next is वॉइस कॉलिंग. एंड एवरी वन टू नो दैट वी कैन कॉल वन पर्सन टू अनदर पर्सन विद द हेल्प ऑफ द मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट. यानी वॉइस कॉलिंग भी हम कर सकते हैं. इट अलाउ यू टू मेक अ कॉल टू अदर पर्सन अक्रॉस द वर्ल्ड. इन सच अ फैसिलिटी वन कैन स्पीक विद द अदर पर्सन बट दे कैन नॉट सी ईच अदर, यूजलेस द स्विच ऑन द वीडियो. यानी वॉइस कॉलिंग में हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं लेकिन एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं जब तक हम अपना वीडियो ऑन ना करें. ओके, तो नेक्स्ट इज ऑनलाइन शॉपिंग. इट इज़ पॉसिबल टू बाई और सेल प्रोडक्ट ऑनलाइन. सम पॉपुलर वर्चुअल स्टोर और अमेजोन, Flipkart, Paytm, Myntra and so on. Okay, you can book travel ticket, air, railway, bus and form a place. In addition, you can also book movie ticket, hotel room and so on. Yani we can do the online shopping without going the market and according to our choice. Yani apne choice ke according we can purchase everything online. टू स्टे होम, यानी घर पे रह के हम ऑनलाइन सभी चीज़ों को परचेज कर सकते हैं. सम वर्चुअल स्टोर्स जैसे अमेजॉन हो गए, फ्लिपकार्ट हो गया, मैंत्रा, पेटीएम एंड ऑल. देयर वर मैनी एप्लीकेशन टू डू ऑनलाइन शॉपिंग. ऐसे कई सारे एप्लीकेशन हैं जिसके थ्रू हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं. क्लब फैक्ट्री एंड एक्सेट्रा. ओके, एंड ऑल्सो बुक द एयर टिकट, रेलवे टिकट विदाउट गो द बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन और बुकिंग शॉप. यानी बिना कहीं गए घर बैठे हम लोग ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, चाहे वो मूवी टिकट हो, होटल रूम्स हो, बस, एयर, रेलवे, एनी टिकट वी कैन बुक टू स्टे होम विदाउट गोइंग एनीवेयर. ओके, सो नेक्स्ट इज ई बुकिंग, ई बैंकिंग. यानी वी कैन डू ऑल द बैंकिंग ऑपरेशन विदाउट गोइंग द बैंक. यानी बिना बैंक गए बैंक से रिलेटेड ऑल वर्क वी कैन डू. यू कैन परफॉर्म बैंकिंग ऑपरेशन एट एनी प्लेस एंड एट एनी टाइम विद जस्ट अ क्लिक. यानी विदाउट गो द बैंक वी कैन ऑल्सो ट्रांसफर द मनी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. यानी हम लोग मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, बैंक से रिलेटेड सारे वर्क कर सकते हैं
ऑनलाइन, जैसे कि आपने देखा होगा गूगल पे के थ्रू या भीम ऐप या फ़ोन पे, ऐसे कई सारे एप्लीकेशन है जिसके थ्रू जो है हम बैंक पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं और पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, नाउ सर्च विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट वी कैन सर्च एनी थिंग एनी इंफॉर्मेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इनफैक्ट नॉट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द यूनिवर्स की कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग इंटरनेट की हेल्प से सर्च कर सकते हैं। लास्ट इज एंटरटेनमेंट, यानी यू कैन रीड बुक्स, वॉच मूवी, वीडियो एंड स्पोर्ट ऑनलाइन, यानी वी कैन ऑल्सो यूज़ द इंटरनेट फॉर द एंटरटेनमेंट, यानी इंटरनेट का यूज़ हम एंटरटेनमेंट के लिए भी करते हैं। वी कैन रीड द ऑनलाइन बुक, वी कैन वॉच द मूवी, वी कैन प्ले ऑनलाइन गेम एंड ऑल थिंग्स। सो स्टूडेंट जय नारायण, एंड आई होप एवरीवन टू अंडरस्टैंड टुडे क्लास, एंड इफ़ यू हैव टू एनी क्वेरी देन आस्क मी। थैंक यू सो मच एंड जय नारायण।